धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड के पंचायत स्वयं सेवकों ने अपनी मांगे न माने जाने से नाराज आज गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय का घेराव किया और वीडियो संजीव कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वो जो काम हो रहा है बिल्कुल आप काम से मतलब है, आप जो कलेक्ट कर रहे हैं। स्वयं सेवकों का कहना था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में निगरानी और मार्गदर्शन के साथ साथ उन्हें गांव में जाकर आवासीय जाति और आय प्रमाण पत्र बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अपना काम पूरी ईमानदारी से करने के बावजूद ना तो अभी तक उन्हें मानदेय दिया गया है और न ही पंचायतों में शिविर लगाकर प्रमाण पत्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है। करीब 40,000 प्रमाण पत्र स्वयं सेवकों के पास पड़े हैं। जब भी स्वयं सेवक वीडियो से मिलने आते हैं कोई न कोई बहाना बनाकर वीडियो साहब नदारद रहते हैं। आज भी वीडियो साहब ने उनसे बात नहीं की, जिससे नाराज स्वयं सेवकों ने पहले तो कार्यालय का घेराव किया और बाद में जमकर वीडियो के खिलाफ नारेबाजी की। प्रधानमंत्री आवास में हम लोग का जियो टैगिंग का जो काम मिला हुआ है उस काम में वीडियो साहब हम लोग उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं दे रहे हैं और हस्तक्षेप के साथ साथ हम लोग को उसका जो प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए था वो अभी तक हम लोग को नहीं मिला। उसी को लेकर के हम लोग वीडियो साहब के पास आए, वीडियो साहब चैम्बर से उठ करके चले गए। सभी पीएसएस गोविंदपुर प्रखंड के भड़क गए हैं और काफी गुस्से में है। साथ में सरकार आपकी द्वार में जो जातेवासी के काम दिए गए हैं पंचायत में, हमारे गोविंदपुर प्रखंड में लगभग 40,000 जातेवासी कलेक्ट हो चुके हैं, जो सभी स्वयंसेवक सभी गांव में जा जाकर सभी पंचायत में 40,000 से ऊपर जाति आवासीय कलेक्ट किए हैं। जो उनको सूचना जो दी थी सभी स्वयंसेवक को इस डेट में आपको कैंप लगेगा, वो कैंप नहीं लगा। हम लोग सभी पीएसएस आकर के वीडियो साहब से बात को रखें कि हम लोग का जाति आवासीय 45,000 जाति आवासीय जो कलेक्ट किए हैं उसको हम लोग पंचायत में जाकर के कर्मचारी भेजिए, हम लोग उसको बनाने चाहते हैं। लेकिन डेट भी खत्म हो गया, अभी तक ना जाति आवासीय बना ना प्रधानमंत्री आवास का हम लोग को कोई प्रोत्साहन राशि मिला। हम लोग इसी चीज को लेकर वीडियो साहब से बार बार मिलने आए, आज भी मिलना है, हम लोग से कोई किसी तरह का बात नहीं किए। हम लोग सभी पीएसएस बहुत गुस्से में है और हम लोग जिला स्तर पर इसका आंदोलन करेंगे और नहीं होगा तो राज्य स्तर में भी करेंगे। अभी आज प्रखंड स्तर से शुरू किए हैं।